कि कर्म करें कि ना करें, तो आपका उत्तर आ रहा है जो आपने पूछा था ना, कर्म संन्यास, और ये सबके अंदर आता है। तो कह रहे हैं जिनको अभी, जो अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब यहाँ पर जिसने अभी योग की पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है, तो हम सब साधक वैसे ही हैं, उसी कोटि में आते हैं, जिसको अभी पूर्ण विवेक की प्राप्ति नहीं हुई है और करना चाहता है, तो फिर ये दिग्भ्रमित होता है। कोई उसको कहता है कि अरे ये सब काम कुम छोड़ करके तुम जो इस जीवन का उद्देश्य है उसको पूरा करने में लगो। दूसरे कहते हैं कि वे कर्म से तो छूट ही नहीं सकते इसलिए कर्म करो। तीसरे कहते हैं अनासक्त कर्म करो। तो ये मतलब बिचड़ा हुआ है बेचारा कि करें तो क्या करें, क्योंकि अभीप्सा क्या है इसकी पूर्णता को प्राप्त करने की। तो कह रहे हैं कि ये फिर इन योगियों का, विद्वानों का फर्ज बन जाता है कि अज्ञानाम कर्म संगीनाम बुद्धि भेदम न जनयेत। जो बेचारे अज्ञानी हैं, कर्म संगीनाम, जो कर्मों में अभी आसक्त हैं, सकाम कर्म करते हैं, उनका सामर्थ्य नहीं है कि वो निष्काम कर्म कर सकें, किसी कामना को लेके ही वो कर्मों में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों में बुद्धि भेदम न जनयेत, बुद्धि भेद को पैदा ना करे, माने भ्रांतियां पैदा ना करे, ये इस विद्वान का काम है। बल्कि क्या करे विद्वान, जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन। बल्कि इस विद्वान का काम ये है कि ये सर्व कर्माणि, सब कर्मों को समाचरन अच्छी तरह से करता हुआ, सब कर्मों को खुद अच्छी तरह से करता हुआ जोशयेत, उन सब को भी ऐसे ही लगाए। जब ये अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करेगा तो दूसरे भी वैसे करेंगे। तो इसका कर्तव्य क्या बनता है, उनको सकाम कर्म से निष्काम कर्म की राह दिखाए, क्योंकि अंतिम तो वही है ना। तो कर्म यहां बंधन का कारण है ही नहीं। बंधन का कारण क्या है, कर्म में आसक्ति, कर्म के फल में आसक्ति। तो इस योगी का काम क्या है, उस व्यक्ति को और थोड़ा अपग्रेड करे, ना कि उसको भ्रमित करे, कर्म में तो लगा ही हुआ है, तो अब सकाम कर्म से उसको उभार करके निष्काम कर्म में ले जाए। तो इसके ऊपर फिर इन्होंने लिखा है, ये कह रहे हैं पहले वाले का, पहले तो दिखा रहे हैं कि ये कह रहे हैं दूसरे लोगों को ऐसे लगता है कि ये ज्ञानी महापुरुष भी लोक संग्रह की इच्छा से ही लगे हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में उनमें लोक संग्रह की इच्छा नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधन अवस्था से ही कभी किंचित मात्र भी अपने लिए और अपनों के लिए नहीं मानते हैं। ये साधना करके यहाँ पहुंचे हैं ना, तो साधना करते समय ही उन्होंने उस अहम को और ममत्व को तो छोड़ दिया था, अहमता ममता को तो वहीं छोड़ दिया था। तो कह रहे इनमें, इन हमें ऐसे लगता है, क्योंकि व्यक्ति को संसार कैसा दिखता है, जैसी उसकी दृष्टि है। अब जिसने लाल वाला चश्मा लगाया है तो बाहर दृश्य कैसा दिखेगा, लाल लाल ही दिखेगा। ग्रीन चश्मा लगाया है तो सब ग्रीन ग्रीन दिखेगा, ब्लैक चश्मा लगाया है तो सब काला काला दिखेगा, उसको प्रकाश है तो भी अंधेरा अंधेरा सा ही दिखेगा। तो संसार तो वैसा ही दिखता है ना, जैसा मैं हूं, मेरे जैसे भाव हैं, मेरे जैसे विचार हैं, तो मैं दूसरे लोगों के बारे में भी क्या सोच लेता हूँ, ये ऐसा कर रहा होगा, अभी ये वहां खड़ा है तो जरूर मेरे बारे में कुछ कह रहा होगा, क्योंकि मैं भी तो सारे दिन किसका चिंतन करता हूँ, इसका करता हूँ, तो ये भी अब किसका चिंतन कर रहा होगा, मेरा ही कर रहा होगा, तो ऐसे लगता है। तो हम क्योंकि लोक संग्रह की दृष्टि से ही कोई काम करते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं, डिग्री के लिए, मार्क्स के लिए, नंबरों के लिए पढ़ते हैं हम, तो नंबर नहीं चाहिए तो हम नहीं पढ़ते हैं, हमारी स्थिति ऐसी है। तो अब कोई विद्वान यदि 4-5 घंटे लगाई हुआ है पढ़ने में, 6 घंटे 8 घंटे लगा ही हुआ है, उसकी तो ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है कि उसको कोई डिग्री लेनी है या उसको कोई मेरिट लिस्ट में, वो तो अपनी विद्वत्ता के लिए पढ़ रहा, अपने ज्ञान के लिए पढ़ रहा है। पर ये व्यक्ति क्या सोचेगा कि भैया तो इसको परीक्षा देनी चाहिए, इतना पढ़ाई कर रहा है, तो
नहीं तो इसकी इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, इसको खेलना चाहिए। कोई बच्चा देखेगा किसी विद्वान को ऐसे अध्ययन करते हुए तो क्या सोचेगा वो, या तो इसको खेलना चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि क्या है, या तो परीक्षा के लिए पढ़ें या तो हम खेलें। आचार्य कुलम के बच्चों को देखो आप जाके, ऐसी बुद्धि है उनकी। हमारे में से भी कुछ ऐसी होती है, परीक्षा ना देनी पड़े तो फिर मैं नहीं पढ़ूंगा, इनको दूसरे व्यक्ति पढ़ रहे, तो हम दूसरे को भी क्या सोचते हैं, अपने जैसा। हम जो कर्म करते हैं वो आसक्त होकर के लोक संग्रह के लिए करते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो बड़े बड़े योगी लगे हुए हैं कर्म करने में, इनमें भी लोक संग्रह की इच्छा होगी इसीलिए कर रहे हैं। बोले नहीं, उनमें नहीं होती है, क्योंकि वो तो इन सारे साधनों को पहले ही छोड़ चुके हैं, तो वो संसार के और संसार की सेवा के लिए वास्तव में ये लोक संग्रह करते हैं। उनका भाव क्या होता है, संसार की सेवा, सेवा के लिए करते हैं वो उस संग्रह को। तो वही प्रवाह रहने के कारण सिद्ध अवस्था में भी उनके कहलाने वाले जो शरीर आदि पदार्थ हैं, वो स्वतः स्वाभाविक रूप से किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। उनके शरीर आदि, उनकी इंद्रियां, उनका मन, बुद्धि, वो सब अनासक्त भाव में रहते हुए भी सेवा में लगे रहते हैं। होती है ये स्थिति। तो कह रहे हैं इस श्लोक में यथा तथा पद कर्म करने के प्रकार के अर्थ में आए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी सकाम पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी पूर्वक और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करना चाहिए। और ये तो ऐसे महात्मा रहे हैं, बिल्कुल अनासक्त महात्मा, जिन्होंने अपने मरने के बाद भी क्या क्या करना है वो भी वसीयत लिख के चले गए थे। ये ऋषिकेश में ही रहते थे स्वर्गाश्रम में, और ऐसे तो पूरे देश में घूमते थे प्रवचन के लिए। तो इन्होंने बताया था कि मरने के बाद जब मेरा ये शरीर छूटेगा तो बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना, कोई बहुत बड़ा ऐसा समाधि आदि नहीं बनाना, गंगा के किनारे बस मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करके और वो राख उसी में बह जाएगी बस, और जो मेरी वस्तुएं हैं उनको कोई व्यक्ति उसको उसमें संग्रहालय में ना रखे कि ये स्वामी जी के खड़ाऊं हैं, ये वस्त्र हैं, तो वो जो भी उस समय में जो लोग उपस्थित होंगे उनको दे देना बस। दो चार चीजें तो थी उनके पास, उसके बाद भी कोई शांति सभा, शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा, विद्वानों को बुलाना, ये सब कुछ नहीं करना मेरे बारे में। बहुत अनासक्त साधु रहे हैं ये, लेकिन अनासक्त होते हुए भी ये क्या कह रहे हैं कि कर्म तो सबको करना है, दूसरों के हित के लिए कर्म करें। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रख करके संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने में लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है, क्योंकि इसके आचरण को देख करके लोगों को जो सुख होगा वो तो एक एक फायदा हुआ, दूसरा जो इनसे प्रीति करने वाले हैं उनके मन में भी स्वाभाविक रूप से ही दूसरों की सेवा के लिए कर्म करने की इच्छा होगी, तो वो फॉलो करेंगे ना इसको कि हमारे गुरु जी ऐसे कर रहे हैं तो हम भी सेवा करें। जब यहाँ एक स्वामी जी महाराज ने निस्वार्थ भाव से सेवा करने का व्रत लिया, तो उनसे प्रीति करने वाले आप सब तो छोड़ के यहाँ आ गए कि हम भी अपना पूरा जीवन किस में लगाएं, सेवा में लगाएं, चाहे वो देश की सेवा है, चाहे वो शास्त्र की सेवा है, धर्म की सेवा है, आध्यात्मिकता की सेवा है, जो भी सेवा मेरी सामर्थ्य गुरु समझे वहां मुझे लगा दें। और कितने ही लोग अपने घरों में रहते हुए भी इस भाव में जीते हैं और सेवा कर रहे हैं, तो ये दूसरा लाभ होता है। अगर ये व्यक्ति योगी कर्म में ना लगे तो फिर वो इतनी सारी जो आत्माएं सेवा में आज लगी हैं वो भी नहीं लगेंगी फिर। तो अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, अतः उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होना संभव है, क्योंकि उसको ना तो कोई फल चाहिए ना कोई आसक्ति है, तो फिर वो क्या कर सकता है, क्या संभावना है, कर्म ही ना करे, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं।
तो ये संभावना है। तो क्या कह रहे हैं आगे, अतः इसलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी क्या कह रहे हैं कि जैसे सकाम पुरुष कर्म करता है वैसे ही विद्वान को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। हमें स्वामी जी महाराज क्या समझाते हैं, जैसे नौकरी पेशा वाले लोग अपनी ड्यूटी के प्रति सिंसियर होते हैं, ये मेरी ड्यूटी है, उसके घर में कोई अतिथि भी आया होगा और ड्यूटी टाइम हो गया होगा तो क्या कहेगा वो, अब मेरा ड्यूटी टाइम हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा, बाकी की बात मैं शाम को आके करूंगा आपसे। तो जैसे वो व्यक्ति पाबंद है अपनी ड्यूटी के प्रति, ऐसे ये जो बिना सैलरी वाले लोग हैं उनको भी अपने कर्तव्य के प्रति वैसे ही पाबंद होना चाहिए कि ये मेरा सेवा का टाइम हो गया है, ये अब मेरा साधना का टाइम हो गया है। प्राय ये व्यक्ति क्या करता है अपने कर्तव्य कर्म में, ये प्रमाद करता है, इसका संध्या का समय हो गया फिर भी जहां गए हैं प्रवास से, प्रवास में वो लोग बातें कर रहे हैं और ये बातों में ही एक घंटा बिता देता है। इस व्यक्ति को क्या कहना चाहिए, अब मेरा उपासना का टाइम हो गया, अब मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता हूं, अब मुझे उपासना करनी। जैसे ड्यूटी वाले भी तो अपने संबंधियों को छोड़ देते हैं ना, ऐसे इस योगी को भी अपनी दिनचर्या के प्रति, अपने स्वधर्म के प्रति क्या होना चाहिए, वैसा ही जागरूक होना चाहिए जैसा वो जागरूक है। अब कह रहे हैं 21वें श्लोक में तो विद्वान को आदर्श बताया गया था, पर यहां उसे अनुयायी बताया है। तात्पर्य यह है कि विद्वान चाहे आदर्श हो चाहे अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः ही लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिता की आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह ही हो रहा है। तो ऐसे ही कह रहे हैं क्योंकि उनका कर्मों को करने या कर्म को न करने में कोई प्रयोजन ही नहीं है। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर के कर्तव्य कर्म करता है तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वानों के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुषों को ये महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है ऐसा दिखे या ना दिखे, लेकिन प्रभाव तो पड़ता ही है। तो मनुष्य के निष्काम भावों का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, ये सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति से रहित होकर के विद्वान के भाव आचरणों का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं पशु पक्षियों आदि पर भी पड़ता है। तो ये 25 नंबर श्लोक के बारे में बताया, अब इन दोनों के बारे में एक विशेष बात बता रहे हैं। ये कह रहे हैं वास्तव में महत्ता पदार्थ की नहीं होती बल्कि आचरण की होती है। आचरण मतलब उस पदार्थ का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। ये कई बार चर्चा होती है ना, भाव का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। वस्तु किसी पदार्थ की महत्ता नहीं है, चाकू की महत्ता नहीं है, चाकू का उपयोग कैसे कर रहे हैं और किस भाव से कर रहे हैं इस चीज की महत्ता है। तो ये कह रहे हैं कि उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, संपत्ति की महत्ता नहीं है, उस संपत्ति का ऐश्वर्य का उपयोग कैसे कर रहे हैं। कितने असुरों के पास संपत्ति है, कौन पूछता है उनको, वो कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कोई लोग नमस्ते भी नहीं करते हैं उनको, वो कहते हैं भाई तुम्हारे पास संपत्ति है तो अपने खाओगे, हमें क्या लेना देना उससे। पर उससे थोड़ी भी संपत्ति है यदि और उस व्यक्ति ने पूरी की पूरी सेवा में लगा रखी है तो वो व्यक्ति जहां से भी जाता है लोग उसके चरण छूते हैं, उसको सिर झुकाते हैं। तो संपत्ति तो बराबर ही थी लेकिन उस महत्ता किसकी है, उपयोग की। एक व्यक्ति उसका उपयोग किस में कर रहा है, सेवा में, दूसरों को सुख देने में। एक व्यक्ति उसका उपयोग किस में कर रहा है, अपने आप को सुख देने में केवल। तो ये कह रहे हैं कि महत्ता पदार्थ की नहीं है बल्कि महत्ता उसके उपयोग की है, आचरण की है। आचरण की महत्ता भी तब है जब अंतःकरण में पदार्थ की महत्ता ना हो। आचरण भी महान कब बनता है,
जब अंतःकरण में उस पदार्थ के प्रति आसक्ति ना हो, उसकी महत्ता ना हो। अंतःकरण में संपत्ति की महत्ता नहीं है, अंतःकरण में किसकी महत्ता है? सेवा की। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग कठिन पड़ता है। वास्तव में जितने भी पदार्थ हैं, तो आप पैदा हुए तब लेके आए थे कि आपने हाथ में पकड़ पकड़ के कि ये मेरी साइकिल है, ये मेरा घर है, ऐसे लाए थे क्या? ये मेरे वस्त्र हैं। तो पदार्थ आपके व्यक्तिगत कहाँ से हुए? बाद में बोलते हैं ना, ये मेरा पर्सनल रूम है, ये मेरी पर्सनल साइकिल है, ये मेरे कपड़े हैं, जूते हैं। तो कोई भी पदार्थ पर्सनल है ही नहीं, व्यक्तिगत है ही नहीं। पदार्थ सारे कैसे हैं? ईश्वर के हैं। वो पता नहीं हमारे से पहले कितनों ने अपना माना था। जिस घर में आप रहते हैं, जिस यहाँ इस जमीन में जहां बैठे हैं, आपसे पहले कितने लोगों की मालकियत हो चुकी? आज तो आप बोलते हैं कि ये हमारा है, ये आश्रम पतंजलि योगपीठ। पर जिस जमीन में पतंजलि योगपीठ बना है, हमारे से पहले वो जमीन कितने लोगों की रह चुकी? जब से सृष्टि बनी, करोड़ों लोगों इसको मालिक बन चुके हैं, और हमारे बाद भी इसको कितने लोग अपना मानेंगे? अनंत काल तक पता नहीं कितने आने वाले लोग इसको अपना मानेंगे। होल की उम्र है तब तक भी, होल नहीं रहेगा तब भी इस जमीन को कितने लोग अपना मानेंगे? तो वास्तव में ये जमीन किसकी है? ईश्वर की है। पर्सनल है ही नहीं, कोई भी वस्तु पर्सनल नहीं है। तो ये कह रहे हैं व्यक्तिगत कोई पदार्थ होता ही नहीं है, बस कुछ समय के लिए हम उसको व्यक्तिगत मान लेते हैं। तो बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं ये संत, है ना, बहुत बड़े। तो पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही फिर क्या होता है? पर हित में उसको नहीं लगाना चाहते हैं। फिर हम कहते हैं भाई ये तो मेरा पर्सनल है, इसको दूसरे के लिए कैसे लगा सकता हूं? तो फिर कठिन मालूम पड़ता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन का कारण नहीं है, उनका संबंध बंधन का कारण है। कोई पदार्थ या कोई कर्म बंधन का कारण नहीं है, उनके साथ जो संबंध हो गया, आसक्ति का पर्सनल संबंध हो गया, ये बंधन का कारण है। पदार्थ तो यहीं रहेंगे, कौन सा आप उठा के ले जाओगे, और आए तब भी आपको मिले थे, तो ये तो बंधन के कारण नहीं है। पर इनके प्रति जो भाव बन गया आसक्ति का, ये हमारे बंधन का कारण है। विद्वान पुरुषों में भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूं ये अभिमान नहीं रहता। कारण ये है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब किसके लिए हैं? संसार के लिए हैं, और संसार से ही मिले हैं। संसार से ही मिले हैं, संसार के ही लिए हैं, ऐसा योगी मानता है। संसार से मिली सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देना, ये क्या है? ईमानदारी। जिस काम के लिए आपको पैसे दिए जाएं यहां से, और आप जाके उसी काम में लगा दें, ये क्या है? ईमानदारी। ईश्वर ने संसार में आने पर इतने सारे संसाधन और ये सारा शरीर हमें दिया, तो अब इन सारे संसाधनों को और शरीर को उसी संसार की सेवा में लगा देना, ये क्या है? ईमानदारी। और अपने लिए बचा के रख लेना, ये बेईमानी है। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना है। ये अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर के रूप में रुपए रखे, और कुछ समय के बाद वो मांग रहा है, तो हमने उसके रुपए वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम है? ये जो हमारा था ही नहीं वो उसको दे दिया, तो कौन सा इसमें बड़प्पन है? तो कह रहे हाँ, हमारा दायित्व तो समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त जरूर हो गए कि भाई हमने अमानत रखी थी, आज हमने दे दी है। तो इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देने से हमारा दायित्व तो समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना, बल्कि उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है, क्योंकि वो हमारी थी नहीं, जिसकी थी उसकी सेवा में लगा दी। शरीर किसका था? संसार का। तो कहां लगा दिया? संसार की सेवा में। अब ये अच्छी बात बता रहे हैं, एक न बुद्धि भेदम जनयेत विद्वान। कह रहे हैं कि असक्त
विद्वान, इन पदों से जिनका वर्णन किया है उसी आसक्ति रहित विद्वान को यहाँ पर विद्वान या युक्त इन पदों से कहा है अगले श्लोक में। तो कह रहे हैं जिनके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, जिनकी स्थिति निर्विकार है, जिनमें कोई विकार नहीं है, जिनकी स्थिति में जिनकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई और जिनके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब समान है। सब समान क्यों है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सोने की कीमत नहीं जानता है, जानता है, पर सोना भी ईश्वर का है, मिट्टी भी ईश्वर की है। तो ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त या विद्वान कहलाता है। तो पीछे 25वें श्लोक में जो सक्ताह अविद्वान से, जिन पदों से जिनका वर्णन हुआ, सक्ता माने आसक्त होकर के जो कर्म करते हैं, अविद्वान मतलब जिन्होंने अभी आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि शास्त्र विहित शुभ कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुष को यहाँ कर्म संगी नाम और अज्ञान पद से कहा है। तो शास्त्र विहित कर्मों को अपने लिए, अपने लिए माने अपने सुख भोग के लिए, मान बड़ाई के लिए करने के कारण इन पुरुषों को क्या कह दिया, कर्म संगी और अज्ञानी। अज्ञानी और कर्म संगी कौन है, जो अपनी मान बड़ाई के लिए काम करता है, जो अपने सुख के लिए काम करता है, उन व्यक्तियों को यहाँ क्या कह दिया, अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब ये नहीं अंगूठा छाप है, जानते तो हैं पर सब कर्म किस भाव से करते हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान आदि के लिए। तो कह रहे हैं अब उनके लिए ये जो श्रेष्ठ पुरुष हैं इनकी विशेष जिम्मेदारी है, जो योगी पुरुष हैं इन लोगों की यहाँ विशेष जिम्मेदारी बता रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से ही उनका अनुसरण करते हैं। जैसे बच्चा अपने घर में जो देखेगा उन्हीं का अनुसरण करेगा, जिस भाषा को बोलते हुए सुनेगा घर में परिवार में तो वो उसी भाषा को फॉलो करता है। हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, जिस भी माहौल में बच्चा रहता है उसी भाषा को आसानी से सीख लेता है। जो माता पिता बोलते हैं ना कि जाओ अब ये उठा करके उनको दे के आओ, तो वो इशारा इशारा समझता है, भाषा का तो ज्ञान है ही नहीं, लेकिन थोड़े दिन में वो भाषा भी समझने लगता है, पहले वो काम करने लगता है। छोटे बच्चे को हम बोलते हैं ना कि यहाँ से ये वस्तु उठाओ, जाओ उनको दे दो, दीदी को दे दो, तो फिर वो उठा के दे के आता है, यद्यपि उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, संकेत को समझ रहा है वो बच्चा, फिर थोड़े दिन में उस भाषा को भी जान लेता है। मेरे को कई बार आश्चर्य होता था वहां दक्षिण में जब जाती ना, तो छोटे छोटे बच्चे मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ बोलते हैं, तो मैं सोचती इतने कठिन कठिन शब्द इनके मुख से निकलते कैसे, इतने छोटे बच्चे के मुख से, लेकिन ये तो स्वाभाविक है, बच्चा जो देखेगा उसको फॉलो करेगा। तो ऐसे ही ये जो अज्ञानी लोग हैं ये किसको फॉलो करेंगे, उनसे ऊपर वाले जैसा आचरण करते हैं, योगी पुरुष जैसा आचरण करते हैं। तो इसलिए इन श्रेष्ठ पुरुषों की ये विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, विद्वान को आज्ञा दे रहे हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि ये जो कामना युक्त पुरुष हैं इनका वर्तमान स्थिति से भी पतन हो जाए। अभी वर्तमान स्थिति क्या है, सकाम कर्म में लगे हुए हैं अपने, तो उससे भी नीचे गिर जाएं, ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए कभी भी विद्वान को, योगी को। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति से उन्हें विचलित नहीं करना, उससे नीचे नहीं गिराना, उसी को क्या कहा, बुद्धि भेद पैदा ना करे ये विद्वान, विशेष जिम्मेदारी है इसकी। बुद्धि भेद क्या है, उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न करना। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर यही बात लागू होती है, जो समाज का मुखिया है या परिवार का मुखिया है, तो उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे कि समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। अब ये बुद्धि भेद करने वाली बात क्या है, उसको बता रहे हैं दो तीन पॉइंट में जो मैं आपको सुनाना चाह रही थी। जैसे कह रहे हैं बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। ये व्यक्ति क्या कहेगा, कभी कभी कोई व्यक्ति क्या कहता है, अरे कर्मों में क्या रखा है, कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट है।
तो कर्म छोड़ करके ज्ञान में लगना चाहिए, ऐसे ऐसे उपदेश देना। तो इस प्रकार से अपने आचरण और अपने वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्म के प्रति अश्रद्धा और अविश्वास उत्पन्न करना, ये क्या है? बुद्धि भेद पैदा करना। तो कुछ विद्वान होते हैं ना इसे कि भाई तुम कर्म करोगे तो तुम बंध जाओगे, तो खुद भी नहीं करते हैं और दूसरों को भी, जो वो सकाम तो कर रहे थे कम से कम, उससे भी वो नीचे गिर जाएंगे कर्म करना छोड़ेंगे तो। तो उसके लिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भी उनको खबरदार कर रहे हैं, और ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो बहुत ऊंचे संत हुए इस सदी के, तो वो भी ये बात कह रहे हैं। और दूसरा, कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं, जहां देखो वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता। अरे भाई, ये जितने लोग कर्म में लगे हैं ना, तो ये सब किस लिए लगे हैं? स्वार्थ के कारण लगे हैं, और आपको भी साथ में जोट रखा है इन्होंने। तो यहां भी बोल देते हैं ना, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, मतलब आप लोगों को, एक बार हमने बाहर से ही किसी विद्वान को बुलाया, और हमने इतने सम्मान पूर्वक बुलाया कि चलो आप कुछ बच्चों को प्रेरणा दें, फिर बोले रे ये तो अपने उसको पूर्ति करने में लगे हैं, अपने संकल्पों की पूर्ति करने में, और आप लोगों का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? बुद्धि भेद पैदा करना। तो इसको पाप माना है, भगवान कृष्ण ने उनकी निंदा की है इसके लिए। तो कह रहे हैं जहां देखो वहीं स्वार्थ है, संसार में सब जगह स्वार्थ है, कोई निस्वार्थ काम कर ही नहीं सकता है, ऐसे बोलते हैं। जहां देखो वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई नहीं रह सकता है, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे और फल की इच्छा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है। तो फिर ऐसे लोगों को वो कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। मतलब बड़े लोगों की तो बात छोड़ो, हमारे जो संगठन में जो भाई बहन काम करते हैं, जो 10-10, 12-12 वर्ष से लगे हुए हैं, उनको ही कुछ लोग बोल देते हैं, बोले जरूर इनको ना वहां से मोटी सैलरी आती है। ऐसे निस्वार्थ भाव से कौन करता है? अपना समय, अपना साधन सब खर्चा लगा के, ये सब दिखावा है। इनको वहां से बहुत मोटे पैसे मिलते हैं, क्योंकि वहां तो बोरे के बोरे भरे पड़े हैं, तो इनके पास भी थैले के थैले भर भर के आते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। आप जाओगे कार्य क्षेत्र में तो आपको भी बोलेंगे, भले कहीं नहीं, हमें सब पता है, ये सब ऐसे ही स्वार्थ के पीछे, इनका अपना स्वार्थ है इसलिए लगे हुए हैं। लेकिन आपका कोई स्वार्थ है क्या? तो खुद को पता लगता है ना भी हमारा कितना स्वार्थ है। तो निस्वार्थ काम करना ये पॉसिबल है कि नहीं है? संभव है कि नहीं है? आप तो सारे कर रहे हैं, वही तो संभव क्यों नहीं है? अपने जीवन से देख सकते हैं। मान लीजिए आपको विद्या अभ्यास भी कर रहे हैं, तो किसकी आज्ञा से कर रहे हैं? गुरु आज्ञा से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से तो नहीं आए थे यहाँ। के आपको बताया कि आप सेवा करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा शास्त्र का अभ्यास करें, शास्त्र का स्मरण करें, तो आपकी सेवा में और अच्छी क्वालिटी आएगी, जानेंगे तो इसलिए आप लगे हैं, कोई स्वार्थ भाव से तो नहीं लगे हैं। तो ये विद्या का कर्म भी कैसा है? निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। फिर क्या कह देते हैं? कहते हैं फल की इच्छा रख करके अपने लिए कर्म करने से बार बार जन्म लेना पड़ता है। ऐसे भी तो लोग बहकाते हैं ना कि कर्म करोगे तो बार बार इस जन्म मरण के बंधन में आते ही रहोगे, इसलिए क्या करो, कर्म छोड़ दो, अपना भला चाहते हो तो। हम तो आपके भलाई के लिए कह रहे हैं, कहां फंस रहे हो तुम? तो तुम्हें बार बार जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। कर्म करने से फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल से कोई बच नहीं सकता है, तो फल भोगने के लिए आना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुष का कर्म फल में विश्वास नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है बेचारा, भाई यदि बार बार आना पड़ेगा तो फिर मेरे को कर्म नहीं करना है, फिर मुझे क्या करना है, कर्म का त्याग करना है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने ऐसे बोल दिया कर्म को त्याग कर दो। ना गुरुजी कर्म करते हैं ना चेले को करने देते हैं, ऐसे हैं।
बहुत लोग हैं ऐसे, क्योंकि संसार में मुझे तो ये लगता है कि जितने सन्यासी भारत में हैं धरती में कहीं नहीं है, मतलब जितने गांव नहीं हैं भारत में उससे ज्यादा सन्यासी हैं। अगर सारे सन्यासी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने लगें, एक एक गांव की भी जिम्मेदारी लें, तो एक महीने में देश का कायाकल्प हो सकता है। करते तो नहीं है, बैठे हैं सारे, कुछ सुल्फा पी रहे हैं, कुछ गांजा पी रहे हैं, कुछ बैठे हैं ऐसे ही, और दूसरों को भी वही कहते हैं, बोले तुम सब चक्कर में मत पड़ो कर्म की, निवृत्ति मार्ग में आओ ना, खुद कर रहे हैं। तो फल स्वरूप फलों में आसक्ति तो छूटती नहीं, लेकिन शुभ कर्म जरूर छूट जाता है। वो जो शुभ कर्म कर रहे थे, भले ही वो सकाम का भावना से ही कर रहे थे, यज्ञ हवन कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, भले ही सकाम कर रहे थे, लेकिन थे तो शुभ कर्म, किसी का तो पेट पाल रहे थे, बच्चों का, बीवी का, माता पिता का, वो और छोड़ देते हैं। तो कह रहे हैं बंधन का कारण आसक्ति नहीं, बंधन का कारण कर्म है। इसको मोटे अक्षरों में लिख लो अपनी कॉपी में, बंधन के कारण कर्म नहीं है, बंधन का कारण क्या है? कर्म में आसक्ति। तो ये अभी तो आधी व्याख्या हुई है इस श्लोक की, और ये मैं इसलिए पुस्तक लाई क्योंकि यही बातें मैं बिना पुस्तक के भी आपको यदि बताती तो आप सोचते कि पता नहीं दीदी अपने मन से ऐसे ही तुक्के मार रही हैं। अब ये इतने प्रामाणिक व्यक्ति के, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे जिया है, उनके वचन हैं ये। तो कल भी हम इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे, आज तो समय हो गया तो यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति, श्री गुरुभ्यो नमः।